हे गाइस व्हाट्सअप ब्लेड हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेड एक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इरिटेटिंग प्लेयर्स इन सीएस रैंक। ये जो वीडियो है इसका आइडिया मैंने रूफी भाई की वीडियो से लिया है और उन्होंने भी किसी की वीडियो से लिया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैंने आपके लिए बहुत गालियाँ खाई और इसमें मैंने अपने स्टार भी बहुत लूज़ किए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कर देना, अपने असली अकाउंट से आया क्योंकि मुझे तो कौन ही जानता। गाइज इस वीडियो पे मेरी डबल मेहनत लगी है क्योंकि जिस दिन ये वाली रिकॉर्डिंग की मैंने, उससे पहले भी मैंने एक दिन रिकॉर्डिंग की थी, मगर जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे पता लगा कि उसमें तो आवाज़ ही नहीं थी। चलते हैं वीडियो में। पिछले दो राउंड में मार खाने के बाद आखिरकार मुझे ये एक जगह पर मिल ही जाता है और फिर मैं ग्लूवल लगा के जल्दी से इसको पैक कर देता हूँ, लेकिन मैं भी इसी साथ फंस जाता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ चलो मैं फंसा ये भी तो फंस ही गया है ना। मैं वहाँ से तो निकल जाता हूँ लेकिन बाहर मेरी मौत खड़ी होती है और मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन मुझे तो यही इंतज़ार होता है कि ये कुछ बोलेगा और ये फिर ग्लूवल तोड़ता ही रहता है और मर जाता है, लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं है। ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे होते ना, यही तो मसला था। अब इस राउंड में मैं अपना टारगेट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ ढांचा, ऊपर जाता हूँ और इस बंदे को पैक कर देता हूँ। मुझे लगता है ये कोई रिएक्शन देगा क्योंकि अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये भी कुछ नहीं कहता। ऊपर आते ही जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ये नॉक हो जाता है। मैं सोचता हूँ इसको रिवाइव कर देता हूँ ताकि ये अंदर और तड़पे, मगर तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है और इसको मारते मारते मैं भी मारी जाता हूँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते। इस मैच में ये जो बंदा होता है नंबर 4, इसका माइक खुला हुआ होता है। मुझे लगता है कि ना यही मेरा शिकार है क्योंकि माइक खुला हुआ होता है इसका तो ये बोल भी रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में इस बंदे का माइक हो जाता है नंबर 2 का और ये कुछ ऐसा बोलता है जिससे मेरा दिल करता है कि अब मैं तो इसी के ही पीछे लगूंगा और इसके मुंह से गाली सुन के ही रहूंगा। ये जो बंदा होता है ये यहाँ पर इमोट दिखाने लग जाता है। मुझे समझ नहीं आती या मैं इसके इमोट का बदलूँ या फिर अपनी करवाई डालूँ, लेकिन फिर अगले राउंड में मैं सोचता हूँ इसका करवाई डालता हूँ। यहाँ पर मैं ग्लूवल खरीदता हूँ और फिर इसके पीछे दोबारा से लग जाता हूँ। राउंड तो हम जीत तो जाते हैं लेकिन मैं मर जाता हूँ, लेकिन अब देखना इसके साथ कार्रवाई कैसी होती है। ये छोड़ा ढांचा, ये लगाई ग्लूवल और मैं वहाँ पर, फिर हो जाएगा इसका माइक ऑन। तुम पहन लो मुझे समझ आ जाती है कि मैंने अब इसी के पीछे ही रहना है, लेकिन ये बंदा जो है ये बार बार रिमोट दिखाई जा रहा होता है। अब इस राउंड में मुझे समझ नहीं आती मैं उसका बदला लूं या फिर कंटेंट बनाऊं, लेकिन मैं सोचता हूं आप लोगों के लिए कंटेंट बना लेता हूं। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। मैं तो इसके पीछे चिपका हुआ होता हूँ लेकिन ये मेरे से दूर होता रहता है क्योंकि इसको पता होता है कि मैंने क्या काम करना है। लेकिन फिर भी मैं मौके की तलाश में यहीं बैठा रहता हूँ इंतजार में, और तभी हमारा एक बंदा भी नॉक हो जाता है। सोचता हूँ कि इसको पकड़ लूँ क्योंकि ये भी मेरे करीब है, लेकिन तभी हमारे ऊपर आ जाता है आलू। ग्लूवल ज़ाया हो जाती है और फिर ये वाला बंदा नॉक हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ इसके साथ जाकर करवाई डालता हूँ। इसकी वजह से मजबूरन मुझे इसे रिवाइव करना पड़ जाता है और हम लोग यहाँ पर मर जाते हैं, लेकिन ये कुछ कहता नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं कह रहा। ये मैच भी हम लोग हार जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अगले राउंड में कुछ कॉन्टेंट निकल। यहाँ पर होता है सोने पर सुहागा, यहाँ पर होते दो बंदों के माइक ऑन। मैं सोचता हूँ कि दोनों पर ही हमला करूँगा। मैं अभी यहाँ पर नूप वाली हरकतें शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं तो नॉक हो जाता हूँ लेकिन फिर एक दो तीन करके सारे ही मरने लग जाते हैं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यार लाना चाहिए मेरे मुंह पे। अब यहाँ पर मैं उस बच्चे के पीछे पड़ जाता हूँ और सोचता हूँ कि इस बच्चे को पैक करूंगा, ये कुछ बोलेगा, लेकिन ये अपना माइक बंद कर चुका होता है क्योंकि ये शायद फैमिली के साथ बैठा होता है। मगर फिर भी मैं इसको पैक करने की कोशिश करता हूँ और पैक भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं और नंबर 1 जिस दूसरा बंदा जिसका माइक ऑन था दोनों मर जाते हैं, लेकिन तभी मुझे एक चीज़ सुनने को मिलती है जिसके बाद मेरा पारा हाई हो जाता है। नंबर 2 टूटी है ना दिमाग से। फिर क्या था, मैं इसी के पीछे छुपने वाला था अगले राउंड से।
यहाँ पर मैं मौके की तलाश में इसको तो फेंक देता हूँ ढांचे को, और फिर ये खड़ा हो जाए ताकि मैं ग्लू वॉल लगा लूँ। इस इंतज़ार में होता हूँ और इसको समझ आ जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरे को पता है, मैं इसकी मार छोड़ दूंगा। ग्लू पार ग्लू नहीं निकल पा रहा। ग्लू पार यार, मैं जोन में फंस जाऊंगा। अबे गन से पार राजा, यार राजा मैं इसकी मां की चूत में मार दूंगा। इधर गालियां सुन सुनकर मेरा पीछे से रिएक्शन क्या निकल रहा होता है स्क्रीन के पीछे गेम खेलते हुए। मेरे मरने के बाद तो ये चुप ही नहीं करता, बस बोलता ही जाता बोलता ही जाता बोलता ही जाता। इस मैच में इसको पैक करता हूँ लेकिन मैं भी यहीं पर ही फंस जाता हूँ, और उसी वक्त ये यहाँ से निकल जाता है और फिर मुझे यहीं पर छोड़ जाता है। इस बार मैं इस बंदे के पीछे लग जाता हूँ और फिर इसको पैक करने में कामयाब हो जाता हूँ। यहाँ पर पूरा राउंड गुजर जाता है लेकिन ये कुछ कहता ही नहीं। अब इस राउंड में दो बंदे होते हैं, उनका माइक खुला हुआ होता है तो फिर मुझे भी अपने शिकार तो मिल जाता है, लेकिन अब देखना अपने भाई का ग्रेनेड। ओह ग्रेनेड रहेगा। थैंक्स, लव यू। लास्ट बंदा मेरा, लास्ट बंदा मेरा। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आता हूँ लेकिन मेरी प्रोनस बाहर निकल के आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि रिवाइव करते करते ही इसके साथ पंगे कर लेता हूँ लेकिन उसको समझ आ जाती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद के जो क्लिप्स थे वो मैंने रिकॉर्ड तो किए थे लेकिन ना उसमें आवाज़ नहीं थी लोगों की, हालांकि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे पास कंटेंट निकल आया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई थी। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करता। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।